अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद सियाज फिर एक बार अल्फा हॉस्पिटल के जानिब से वर्ल्ड वुमेंस डे 8 मार्च कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज टू मेक द वुमन स्ट्रांग। मेरा मानना है कि औरत चाहे वो एक माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, या बहू हो, या बहन हो, या सास हो, एक घर की बैकबोन होती है, एक घर की बुनियाद होती है। अगर वो बुनियाद मजबूत है तो ही घर का ढांचा सही सलामत रहता। और एक स्ट्रांग वुमन बनने के लिए औरत मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए। इस नज़रिए से मैं लास्ट कैंप में हम लोग यंग बच्चों की तरफ तवज्जो दिए थे, थायराइड, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से। अब ख़ास तवज्जो है 40 और 60 के एज ग्रुप के औरतों के लिए, जिस दौर में औरत में काफ़ी तब्दीली हार्मोनल इम्बैलेंस के तहत होती है। इस दौर को पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल फेज कहा जाता है, जिसमें काफ़ी तब्दीलियां होते हैं, ख़ास तौर से यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में और ओवरी में यानी कि अंडरदानी में। तो हमारा मेन स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये है कि बच्चेदानी में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो के माहवारी आगे पीछे हो रही या ज़्यादा हो रही, या कोई फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं या ट्यूमर्स आ रहे हैं, या ओवरी में कुछ गड्ढे आ रहे हैं या सिस्ट आ रहे हैं, उसके जानिब से हम लोग फ्री स्कैन्स कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारा तवज्जो है कि कैंसर स्क्रीनिंग के तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि हम अगर कैंसर है तो उसको बहुत अर्ली फेज में हम उसको पकड़ के, बीमारी जब अर्ली स्टेज में या जीरो स्टेज में पकड़ी जाती है उसका 100% कैंसर का इलाज मौजूद है। तो कैंसर के वास्ते हम लोग खास अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं बच्चेदानी का और अंडेदानी का फ्री में। और कैंसर स्क्रीनिंग औरतों में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे जानलेवा बीमारियां हैं, जिसको हम पैप स्मियर टेस्ट है, जिससे हम 5 साल पहले स्क्रीन कर सकते हैं कि आपको ये कैंसर आने वाला है क्या। तो पैप स्मियर 50% डिस्काउंट में हो रहा। और ब्रेस्ट स्कैन है, जो कि बहुत कॉमन कैंसर है औरतों में, उसमें ब्रेस्ट चेकअप है और 50% डिस्काउंट से ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, टेस्ट है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जिसके वजह से माहवारी में औरतों को काफ़ी दिक्कत हो रही, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा, खून की कमी है, उसके जानिब से भी FSH टेस्ट हो रहा हार्मोन्स का। और विटामिन डी, ये एज में हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती, विटामिन डी का भी टेस्ट होके। बहरहाल हमारा तवज्जो ख़ास इस वक्त मेरे उस बहनों के वास्ते है जो 40 और 60 एज ग्रुप में ये कमज़ोरियों के शिकार हो रहे हैं, और उनकी बीमारी को पहचानते हुए इसका इलाज है। प्लीज़ आइए आप इस कैंप में और बीमारी को दूर करिए, और बी अ वेरी स्ट्रांग वुमन सो दैट यू कैन कीप द फैमिली स्ट्रांग। आमीन इंशाल्लाह। और जी फरमाइए। देखिए, पेशेंट को तो हार्मोन ब्लीडिंग पहले होती, अक्सर अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं तो पेट में दर्द होता और ब्लीडिंग होती, ये दो चीज़ों से अपने को मालूम हो जाता कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस में, वो स्कैन में अपन डिटेक्ट कर सकते। नहीं, कंसल्टेशन तो फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सिराज फ्रॉम अल्फा हॉस्पिटल की जानिब से मैं मुखातिब हूँ। अब हम लोग जो है 8 मार्च फ्राइडे के दिन ख़ास वुमेंस डे के तौर मौके पे जो है एक इस कैंप को मुनक्किद किया है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेडीज़ को जो है फ़ायदा पहुँचने का इंतज़ाम कर रहे हैं। उसमें अभी डॉक्टर नवीद इसके ताल्लुक से तफसीलात आपको बयान किए हैं, और इंशाल्लाह रमज़ान में हम लोग इस कैंप को कंटिन्यू करते हुए 25% डिस्काउंट पूरे हॉस्पिटल के सर्जरीज में पैकेजेस में देंगे इंशाल्लाह, और 50% डिस्काउंट हम ICU के चार्जेस में भी देंगे। आप ये सब चीज़ों का पर नोट करते हुए इसका फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की आप कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज़। कैंप के टाइमिंग 8 मार्च को कैंप के टाइमिंग जो है 3 से 6 तक रहेगा।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।